दोस्तों आप जब भी पेज को सेल करते हो बाई करते हो या फिर अपने पेज को एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल में आप ट्रांसफर करते हो तो आपने ये प्रॉब्लम हमेशा फेस की होगी कि आपके पेज में यहाँ पर बिजनेस अकाउंट लग जाता है जिसको बिजनेस पोर्टफोलियो कहा जाता है आप जैसे मेरे साइड में देख सकते हैं यहाँ पर कि इस प्रकार से आपके पेज में जैसे आप एक्सेस में जाएंगे तो वहाँ पर नीचे बिजनेस पोर्टफोलियो में आपका बिजनेस अकाउंट ऐड हो जाता है अब आप में से बहुत से लोग इसको जानते नहीं कि कैसे लग गया क्यों लग गया और इसको रिमूव कैसे करें और आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि पेज में किसी का एक्सेस हो या ना हो आप मेरी बात समझ लेना पेज में आप किसी को भी एक्सेस दे दो जब तक बिजनेस पोर्टफोलियो लगा हुआ है तब तक वो पेज उसी बंदे का है जिसका बिजनेस पोर्टफोलियो लगा है वो कभी भी चाहेगा किसी को भी हटा सकता है चाहे आपने जितना भी फुल एक्सेस क्यों ना दिया हो तो इसलिए इसको हटाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप पेज को एक्सेस देना चाहते हो किसी को या फिर आप किसी को पेज सेल करना चाहते हो और अगर आप अपने पेज को सेव भी करना चाहते हो कि कोई हैक ना कर पाए तब भी इसको लगाना अपने पेज में बहुत जरूरी होता है तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बिजनेस पोर्टफोलियो

मुझे किसी पेज में शिफ्ट होना मान चलिए इस पेज में मुझे होना, है, ठीक है? है, ये मेरा पेज रील्स का पेज है एक लाख से भी ज्यादा इसमें फॉलोअर हो चुके हैं ठीक है तो अब जैसे मैं इसमें आता हूं और यहां पर जैसे मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाऊंगा जस्ट ऑफेट प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाऊंगा फिर मैं जैसे यहां पर पेज एक्सेस में क्लिक करता हूँ तो आप यहां पर देखेंगे कि नीचे तो हटाना भी सिखाऊंगा और लगाना भी सिखाऊंगा तो आपको, आपको, आपको आना पड़ेगा क्रोम में तो सबसे पहले हम यहां पर क्रोम को ओपन कर लेते हैं इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर सर्च करना है मेटा सूट बिजनेस जैसे मैं यहां पर सर्च कर देता हूं मेटा सूट बिजनेस तो आप देख सकते हैं यहां पर ऐसे ओपन हो जाता है तो इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को लॉग इन कर लेना है मेरी प्रोफाइल देखो ऑलरेडी लॉग इन है तो आप मेरे साइड में देख सकते हैं पहले से ही यहाँ पर पेज शो होने लगा तो आप अपनी प्रोफाइल को लॉग इन कर लेना बिजनेस अकाउंट अगर आपको हटाना है अब इसके बाद आपको क्या करना है जैसे यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा तो राइट साइड में थ्री डॉट क्लिक करके डेस्ट ऑफ साइट को ऑन कर देना क्रोम में डेस्क ऑफ साइट को ऑन करोगे तभी आपको ये सेटिंग देखने को मिलेगी तो जैसे मैंने डेस्कटॉप साइट को ऑन कर दिया अब आपको क्या करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ पेजेस दिखा रहा हुआ कि आपके प्रोफाइल में कितने पेजेस हैं तो जैसे किनारे में देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर पेजेस में क्लिक करेंगे तो जैसे आप पेजेस में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बिजनेस पोर्टफोलियो दिखा रहा है मेरा नेहा नाम से ठीक है और यहां पर लिखा कि छह बिजनेस एसेट मतलब जो नेहा नाम का मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो इसमें छह पेज मेरे जुड़े हुए हैं लगे हुए हैं ठीक है इसके बाद दूसरा मेरा पे आउट है कृष्ण कुमार नाम से तो आपको भी इस प्रकार से चेक करना है अगर आपके प्रोफाइल का बिजनेस अकाउंट आपके पेज में लगा होगा तो यहाँ पर शो होगा जैसे देखिए मेरा शो रहा नेहा नाम से और यहाँ पर सेटिंग का आइकन दिख रहा है तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल को लॉग किया और यहाँ पर आपका बिजनेस पोर्टफोलियो जो है वो शो नहीं हो रहा है मतलब जो वहां पर लगा हुआ नेहा नाम से वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो मान के चलिए कि वो बिजनेस पोर्टफोलियो आपका नहीं किसी और का लगा हुआ है या फिर आपके किसी और प्रोफाइल का लगा हुआ है तो आपको क्या करना है दूसरी प्रोफाइल यहाँ पर लॉग करके चेक करना पड़ेगा तो जैसे मैंने लॉग कर लिया और यहाँ पर मैंने प्रोफाइल में क्लिक किया तो मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो मिल चुका है नेहा नाम से तो यहां पर देख सकते हैं सेटिंग का आइकन दिख रहा है सेटिंग के आइकन में क्लिक कर दूंगा अब जैसे मैं यहाँ पर सेटिंग के आइकन में क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा लोड होगा इसके बाद नया इंटरफेस खुल जाता है अब आपको क्या करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक और लिस्ट देखने को मिलती है एक एक सबसे किनारे वाली एक बीच वाली बीच तो आपको आपको क्या करना करना है है बॉक्स में क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर बॉक्स में क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर नया ऑप्शन ये शो होने लगा तो इसके बाद आपको क्या करना है आपको सेकंड ऑप्शन में प्रोफाइल में क्लिक करना देख रहे हैं ना यहाँ पर किनारे में किनारे में यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन शो हो रहा है यूजर जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका लिस्ट खुल के आ जाएगी अब आपको क्या करना है लिस्ट में यहां पर अकाउंट लिखा है ना किनारे में आप लेफ्ट साइड में देखेंगे अगर आप साइड में देख पा रहे होंगे स्क्रीन को तो यहाँ पर अकाउंट के नीचे पेजेस लिखा है तो हम पेजेस में क्लिक करेंगे मतलब कि बिजनेस पोर्टफोलियो में कितने पेजेस ऐड हैं तो हम पेजेस में क्लिक करेंगे जैसे मैं यहाँ पर पेजेस में क्लिक करता हूँ आप वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि ऊपर वाले पीपुल में क्लिक कर देते हैं जिससे उनको पेज तो दिख जाता है लेकिन वो हटा नहीं पाते इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान देकर के इस वीडियो को देखिएगा बिजनेस अकाउंट जल्दी लोग हटा नहीं पाते ठीक है तो जैसे मैंने पेजेस में क्लिक किया तो यहाँ पर छः मेरे पेज आ चुके हैं जो बिजनेस अकाउंट

तो हम रिमूव के ऑप्शन में क्लिक करेंगे अब यहां पर रिमूव पेजेस में क्लिक करेंगे और यहां से जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो बिजनेस पोर्टफोलियो से ये हट चुका है आपका पेज तो इस प्रकार से आप अपने पेज से बिजनेस अकाउंट को हटा सकते हैं मैंने आपको बता दिया अगर आपके प्रोफाइल का बिजनेस अकाउंट होगा तो यहां पर मेटा सूट बिजनेस में लॉग करते समय आपको जैसे मेरा नेहा वाला दिखा था अगर नहीं दिख रहा तो ये मान के चलिए कि वो बिजनेस अकाउंट या तो दूसरे का लगा होगा या फिर आपका ही लगा होगा लेकिन किसी दूसरी प्रोफाइल का होगा तो आप मेटा सूट बिजनेस में दूसरी प्रोफाइल को लॉग इन कीजिए और फिर यहां पर प्रोफाइल में क्लिक कीजिए तो आपको यहां पर बिजनेस अकाउंट होगा तो आप इस प्रकार से पेज से हटा पाएंगे अब दोस्तों हम सीखते हैं कि बिजनेस अकाउंट लगाते कैसे तो ये पूरा प्रोसेस था बिजनेस अकाउंट को हटाने का अब दोस्तों बताते हैं कि बिजनेस अकाउंट लगाते कैसे क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने पेज में बिजनेस अकाउंट नहीं लगाते हो तो हैक होने के बहुत चांसेस रहते हैं मान के चलिए कल के दिन आपने अपने पेज को किसी को फुल एक्सेस भी दे दिया और किसी हैकर ने हैक भी कर लिया अगर आपका बिजनेस अकाउंट लगा है तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा आप उसको हटा पाओगे क्योंकि बिजनेस अकाउंट में बहुत पावर होती है फेसबुक इस समय उसी को प्रियोरिटी देता है जिसका बिजनेस अकाउंट लगा हुआ है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको बिजनेस अकाउंट कैसे लगाया जाता है तो आपको सिंपली क्या करना है आपको क्रोम में उसी प्रकार से आ जाना है और क्रोम में आने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल को लॉग कर लेना है जिस प्रकार से मैंने पहले आपको बताया था जैसे लॉग इन करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस खुलेगा अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बिजनेस अकाउंट बना ही ना हो और हो सकता है कुछ लोगों का बिजनेस अकाउंट बना हो तो चलिए आपको क्या करना है बिजनेस अकाउंट बना लेना अगर आपका बिजनेस अकाउंट नहीं बना है तो आप यहाँ पर किनारे में जैसे प्रोफाइल में क्लिक करेंगे जैसे आप मेरे साइड में देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर किनारे में प्रोफाइल में क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं लिखा क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो इसमें क्लिक करके आप अपना बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं और जैसे बिजनेस अकाउंट बन जाता है तो आप ऐड कैसे करते हैं पेज को वो सीख लीजिए

तो आप यहां पर देख पा रहे हैं बहुत सारे पेजेस आ चुके हैं जो इस बिजनेस अकाउंट में लगे हुए हैं अब मुझको एक नया पेज यहां पर ऐड करना है ठीक है तो आपको क्या करना है यहां पर प्लस के आइकन में क्लिक करना है और यहाँ पर अब तीन चीजें आपसे पूछी जा रही हैं पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है ऐड एग्जिस्ट पेज मतलब वो पेज ऐड करो जो आपके प्रोफाइल में पहले से ऐड है दूसरा होता है इनवाइट मतलब क्या है कि दूसरे के पेज को आप हथियाना चाहते हो हैक करना चाहते हो मतलब ऐसे जो को कहते हैं तो वो सही नहीं रहता क्योंकि उसके लिए आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी और उसको झांसा देना पड़ेगा कि उसको एक्सेप्ट कर लो अगर उसने एक्सेप्ट कर ली तब उसका पेज हैक हो जाता है और और इसी ट्रिक का कर यूज करके हैकर पेज को हैक करते हैं आपको कहते हैं कि ई में एक नोटिफिकेशन आया होगा एक्सेप्ट कर लो जैसे आप एक्सेप्ट करते हो तो बिजनेस अकाउंट उनको एक्सेस मिल जाता है तो हमको ये सब नहीं करना हमको पहले ऑप्शन में क्लिक करना है एग्जिस्ट वाले में तो एग्जिस्ट वाले में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नाम पूछेगा आपके पेज का तो आप जो भी पेज में बिजनेस अकाउंट ऐड करना चाहते हैं उस पेज का आपको नाम यहाँ पर सर्च करना है तो जैसे मैं यहाँ पर एक नाम कोई भी सर्च कर देता हूँ क्योंकि मेरे पेजेस बहुत है तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा तो जैसे मैंने एस ए ऐसे सर्च कर दिया तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक पेज आ चुका है इस पेज में मैं क्लिक करूंगा और इस प्रकार से इसकी परमिशन को ऑन कर दूंगा ऑन करने के बाद सब चीजों को मैं नेक्स्ट 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 करता चला जाऊंगा और फाइनली सब चीजें फिनिश करने के बाद आप मेरे साइड में देख सकते हैं बिजनेस अकाउंट फाइनली आपके पेज में लग चुका है आप चाहो तो अपने पेज को चेक भी कर सकते हो पेज एक्सेस में जा करके आप कुछ चीजों को ध्यान दीजिएगा अगर आप बिजनेस अकाउंट को अपने पेज में लगाना चाहते हो देखिए दोस्तों अगर आप किसी नए बंदे को दे रहे हो और उसे कह रहे हो कि आप बिजनेस अकाउंट अपना लगा दो तो कोई नया बंदा आपके पेज में बिजनेस अकाउंट सात दिन तक नहीं लगा सकता है फेसबुक की गाइडलाइंस है मतलब क्या है कि अगर कोई नई आई से आप अपने पेज में एक्सेस करना चाहते हैं और फिर उसमें बिजनेस अकाउंट लगाना चाहते हो तो फेसबुक सात दिन के पहले आपको बिजनेस अकाउंट लगाने नहीं देगा वो उसी को लगाने देगा जिसका पेज है सात दिनों तक तो इस प्रकार से आप सात दिन तक नया बिजनेस अकाउंट दूसरे प्रोफाइल से नहीं लगा सकते उसी प्रोफाइल से लगा सकते हो जो सात दिन से उसमें लगी हुई है ठीक है बाकी मेथड बहुत सिंपल था मैंने दोनों तरीके बताए कि बिजनेस अकाउंट कैसे लगाते हैं बिजनेस अकाउंट कैसे हटाते हैं तो अगर आप इन चीजों को सीखते हो तो आप आगे चल के सतर्क रहोगे आपके पेज है कौन से बच जाएंगे और दूसरी चीज की कि आप किसी को सेल कर रहे हो बाई कर रहे हो तो आप ये चीज सीख भी पाओगे कि बिजनेस अकाउंट कैसे हटाते हैं तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा आपने काफी अच्छे से इन चीजों को सीखा होगा बाकी दोस्तों अगर आप मुझसे को बाई करना चाहते हो फिर सेल करना चाहते हो अगर आपके पास कोई ऐसा पेज है जिसको आप सेल करना चाहते हो हो काम नहीं कर पा रहे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप मेरे साइड में यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को देख सकते हो चार से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जिनसे मैं डेली पेज खरीदता हूं क्योंकि मुझे खुद काम पड़ता है कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं टीम में हैं तो उनको भी प्रोवाइड करता रहता हूं पेज तो इसलिए मुझको नीड होती है तो अगर आप अपना पेज को सेल करना चाहते हो तो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और अगर दोस्तों आप मुझसे पेज को बाई करना चाहते हो तो मैं आपको पेज सेल भी कर सकता हूं मेरे पास बहुत सारे फ्रेश वायरल ग्रीन पेज देखने को मिल जाते हैं

सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम